कोरोना महामारी पर दिल्ली सरकार पर हाई कोर्ट की सख्ती के बाद अब अरविंद केजरीवाल की सरकार एक्शन में आ गई है और सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा कर दी है। अभी तक मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे 4 गुना बढ़ाने का फैसला लिया है। दिल्ली में बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं। तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2,000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2,000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। मेरी सबसे अपील है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर सर्वदलीय बैठक के बाद इसका ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहने पाए जाने पर 2,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की और उन्हें स्थिति से अवगत कराया। हम इस बात पर सहमत है कि ऐसा तंत्र बनाया जाए जिससे लोग मास्क न उतारें। इसी के तहत हमने मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने को 500 से बढ़ाकर 2,000 रुपए करने का फैसला किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के खराब प्रबंधन को लेकर 8 दिन बाद ही केजरीवाल सरकार को दूसरी बार फटकार लगाई है। गुरुवार को कोर्ट ने दोहराया कि दिल्ली सरकार कोरोना मैनेजमेंट के लिए जरूरी कदम उठाने में हिला हवाली कर रही है। हाई कोर्ट ने कहा, आपने आज केंद्र के साथ बातचीत शुरू की है जबकि आपको ये पहले करना चाहिए था। इस टाइम मैं दिल्ली के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आज मैंने पॉलिटिकल पार्टीज को भी यही कहा, मैंने कहा कि आप अपने सारे कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारिए और उनको मास्क देके भेजिए कि वो मास्क बांटे। कोई अगर सड़क के ऊपर मिले जिसने मास्क नहीं पहना हुआ, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे भी मेरी यही निवेदन है, सबको मास्क बांटे। अगर आपने मास्क पहन लिया आपके कोरोना होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो मेरी सभी संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से, पॉलिटिकल पार्टी से, सबसे निवेदन है कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को मास्क देके सड़क पे उतारिए कि वो मास्क सबको बांटे, कि सब लोग मास्क जरूर जरूर पहने। अगर आप मास्क पहन लेते हैं तो आप कोरोना से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और अगर आप एक किसी को मास्क पहना देते हैं तो आप ये सोचिएगा कि उसको कोरोना से बचाने का आपको पुण्य हो गया। एक आदमी को आपने कोरोना होने से बचा लिया, इस बात का आपको पुण्य हो गया, इस बात का आपको सुकून मिल सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कार्रवाई न करें, पर जो कर रहे हैं वो काफी नहीं है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर के बाद स्थिति भयावह हो गई है। बुधवार को राजधानी में 100 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई थी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के कारण केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना पर बैठक करते हुए दूसरे राज्यों से पैरामेडिकल स्टाफ को दिल्ली बुलाने का फैसला किया था। दिल्ली में कोरोना की स्थिति पे चर्चा करने के लिए आज सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी हम लोगों ने, और सभी दलों के साथ अच्छी चर्चा हुई, उनके अच्छे सुझाव आए, उन सभी सुझावों के ऊपर हम अमल करेंगे। उस मीटिंग में मैंने सभी दलों से एक ही बात कही, ये समय बड़ा कठिन समय है दिल्ली वासियों के लिए, जब कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये समय राजनीति करने का नहीं है, राजनीति करने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। हम लोगों को थोड़े दिन के लिए राजनीति को साइड कर देना चाहिए, बयानबाजियों को साइड कर देना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप को साइड कर देना चाहिए। ये समय सेवा करने का है। दिल्ली से सौरभ सिंह की रिपोर्ट।